अस्सलाम वालेकुम जी, आज यूनिट आपका है 3, बिल्कुल ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर का यूनिट 3, जिसमें क्या दिया गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बरा रास्ता हो या बाल वास्ता हो, ऑब्जेक्ट माने मफ़ऊल। तो सिचुएशन वही नीचे सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करके दिए हमें, आए उस सिचुएशन में क्या है। एक डेविड हेनरी है बेचारा, और क्लेयर के लिए वो फूल ला रहा है। तो उसके अब सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, हेनरी गेव क्लेयर सम फ्लावर्स, हियर द वर्ब गिव्स, लेकिन मैं सामने वाला भी पढ़ूं, हेनरी गेव क्लेयर सम फ्लावर्स, उसके सामने लिखा हुआ है वही सेंटेंस, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का तबादला यहां पे हो रहा है। हेनरी गेव सम फ्लावर्स टू क्लेयर, क्लेयरी। नाउ अब आते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मैं तो नहीं कर रहा, ये इसमें लिखा हुआ है जो उसकी माने कर रहे हैं। हेनरी गेव क्लेयर सम फ्लावर्स, हियर द वर्ब गिव हिज टू ऑब्जेक्ट्स। यहां पे मेन वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया गया है, गिव मीन्स देना। उसमें अब दो मफ़ऊल हैं, क्लियर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द पर्सन रिसीविंग समथिंग, वो पर्सन जो कुछ हासिल कर रही है, और वो क्या हासिल कर रही है, सम फ्लावर्स, कुछ फूल। सम फ्लावर्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो सम फ्लावर्स हैं ये बिल्कुल बराह रास्त मफ़ऊल है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द थिंग दैट समवन गिव्स, कोई चीज जो कोई दे रहा है। अब आए हेनरी गेव सम फ्लावर्स टू क्लेयरी, हेनरी ने कुछ फूल क्लेयर को दिए। इंटरप्रिटेशन, हेयर गिव हेज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां पे गिव का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, सम फ्लावर्स कुछ फूल, एंड अ फ्रेज विद ट, और एक फिक्रा है टू के साथ, वो टू क्लियर है जो लिखा हुआ है, टू कम्स बिफोर क्लियर है, क्लियर से टू वर्ड जो है वो पहले यूज किया गया है या पहले आता है। द पर्सन रिसीविंग समथिंग, वो शख्स जो कुछ हासिल कर रहा है। अब आए इसके मजीद नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं ताकि आपको मजीद समझ में आ जाए चीजें। Here are some more examples of the two structures. इन दोनों बनावटों के कुछ मजीद यहां पे सेंटेंसेस दिए गए हैं। Emma gave Rachel a CD. Emma ने रेचल को एक सीडी दिया। Emma gave the CD to Rachel. Emma ने वही सीडी रेचल को दिया। I'll send my cousin a postcard. मैं अपने कजन को पोस्ट कार्ड भेजूंगा। I'll send a postcard to my cousin. मैं अपने कजन को नहीं, मैं पोस्ट कार्ड, यहां पे मीनिंग क्या होगी, मैं पोस्ट कार्ड, I'll send a postcard to my cousin. मैं कोई पोस्ट कार्ड अपने कजन को भेजूंगा। We bought all the children an ice cream. हमने सारे बच्चों के लिए मलाई खरीदी। We bought ice cream for all the children. हमने मलाई खरीदी बच्चों के लिए। अब देखें ना, मीनिंग किस तरह हो रही है। अब जी आते हैं नंबर 2 पे, to or for. We give something to someone. हम कुछ चीज किसी शख्स को देते हैं। And we buy something for someone
और हम कुछ खरीदते हैं किसी शख्स के लिए या किसी के लिए. We can use together these verbs. अब ये कुछ verbs हैं जिनके साथ हम to का इजाफा करते हैं, to use करते हैं. अब ये words लिखे हुए हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो, इस पे time जाया नहीं करते. आते हैं इनके नीचे कुछ sentences जो दिए गए हैं. Vicky paid the money to the cashier. Vicky ने पैसे दिए cashier को. Vicky paid the cashier the money. Vicky ने cashier को रकम दी. Let me read this news item to you. मुझे news item आपके लिए पढ़ने दो. Let me read you this news item. मुझे आपके लिए ये न्यूज आइटम पढ़ने दो. We showed the photos to David. हमने तस्वीरें डेविड को दिखाई. We showed David the photos. हमने डेविड को तस्वीरें दिखाई. We can use for with these verbs. अब ये भी verbs लिखे हुए हैं जिनके साथ हम for का इजाफा करते हैं. नीचे आए sentences पढ़ते हैं. They found a spare ticket for me. उन्होंने एक बची हुई ticket मेरे लिए खरीदी. They found me a spare ticket. उन्होंने मेरे लिए एक बची हुई टिकट खरीदी या ढूंढी. They found a spare ticket for me. उन्होंने एक बची हुई टिकट मेरे लिए ढूंढी. They found me a spare ticket. उन्होंने मेरे लिए एक बची हुई टिकट ढूंढी. I've saved a seat for you. मैंने आपके लिए एक जगह महफूज की है. I've saved you a seat. मैंने आपके लिए एक सीट, एक जगह महफूज की है. Melanie is making a cake for David. Melanie एक केक बना रही है डेविड के लिए. मिलेनी इज मेकिंग डेविड अ केक. मिलेनी डेविड के लिए एक केक बना रही है. देखिए सेंटेंस वो ये, सिर्फ ऑब्जेक्ट का हम तबादला करते हैं. मीन्स वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है. गिव प्लस प्रोनाउन. Sometimes there is a pronoun and a noun after a verb such as give. The pronoun usually comes before the noun. Sometimes there is a pronoun, kabhi kabhar, zameer bhi istemal hota hai, and a noun or a isim bhi after a verb, ek fail ke baad, such as give. जैसा गिवे देना. द प्रोनाउन यूजुअली कम्स बिफोर द नाउन. इस सूरत में जो प्रोनाउन है वो नाउन से पहले आएगा. एग्जाम्पल्स, हेनरी इज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लेरी. हेनरी क्लेरी का परस्तार है, आशिक भी कह सकते हैं. He gave her some flowers. अब यहां पे देखें, her and flowers. Flowers noun है, her pronoun है. तो ये पहले यूज किया गया है. हालांकि ये तो pronoun तो कह सकते हैं हम, लेकिन ये क्या है, possessive adjective है ये. यहां पे तो pronoun इन्होंने लिखा है, ठीक है, इन्होंने लिखा है तो हम भी मान लेते हैं. He gave her some flowers. उन्होंने उसको कुछ फूल दिए. We use her because Claire is mentioned earlier.
यहाँ पे हम ह इस वजह से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो क्लियर से पहले इस्तेमाल किया गया है, यहाँ बताया गया है ह कम्स बिफोर सम फ्लावर्स, ह कम्स बिफोर सम फ्लावर्स, तो इसी वजह से फ्लावर से पहले ह को इस्तेमाल हमने किया है, यहाँ किया गया है या करते हैं। Henry bought some flowers. Henry ने कुछ फूल खरीदे। He gave them to Claire. उन्होंने वो Claire को दिए। We use them because the flowers are mentioned. यहाँ पे भी इस्तेमाल हम करते हैं them because the flowers are mentioned. क्योंकि यहाँ पे फूलों का जिक्र किया गया है अर्लियर, पहले देखे ना, यहाँ पे Henry bought some flowers, यहाँ पे कुछ फूलों का जिक्र पहले किया गया है। them comes before Claire, तो them Claire के बाद नहीं पहले इस्तेमाल होगा। क्लियर टू यू, होप आपको समझ में आ गया होगा ये यूनिट भी। तो अगर आप पढ़ाई में खो गए थे और लाइक करना भूल गए थे तो मेरे भाई लाइक कर दीजिए कि प्लीज, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, आपके पढ़ाई में इजाफा होता रहे। तो अगले यूनिट तक जाएंगे, इजाजत, अल्लाह हाफिज़।